ये है तरबूज। मार्केट में इतना ज्यादा तरबूज आ रहा है कि सारे पेशेंट आके पूछ रहे हैं कि मैडम क्या हम तरबूज खा सकते हैं। तो मैंने बोला जब मैं खा सकती हूँ तो आप भी खा सकते हैं। तरबूज खाना बहुत फायदेमंद है। तरबूज के अंदर 90% पानी होता है जो हमारी बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। तरबूज के अंदर लाइकोपीन होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और तरबूज के अंदर ल्यूटीन होता है, वो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट और सुपर रेडिकल्स को कम करता है। तो फायदे जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज को है वो प्रेग्नेंट लेडीज को भी फायदा होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में क्या तरबूज खा सकते हैं, क्या? तो जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी तरबूज खा सकते हैं। तरबूज में ऐसा कोई केमिकल नहीं पाया जाता जिससे कि कोई अबॉर्शन हो जाए या प्रेगनेंसी में इसे खाने से मना किया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिंस हैं जो प्रेगनेंट लेडीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है तरबूज खाने का कि ये फिलिंग होता है, यानी कि जैसे जैसे आप इसे खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। दूसरा, उसमें इतना सारा वाटर होता है कि आपका पानी का डिमांड भी पूरा हो जाता है। तीसरा, इसके अंदर लाइकोपीन होता है जिससे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे कि आपका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको सूजन कम करने में मदद करती है। आपके जो पैर सूज जाते हैं, मुंह पे सूजन आ रही है, वो काफी हद तक इससे कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि मसल क्रैम्प्स को कम करता है। मसल क्रैम्प्स प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कॉमन समस्या है, और यदि आप हाई मैग्नीशियम वाली कोई सी भी डाइट लेते हैं या कोई सा भी फ्रूट खाते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी ठीक ठाक लेवल पे होता है, तो मसल्स को एक्टिवेट करता है, क्रैम्प्स को कम कर देता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद अगर इसमें गुण देखते हैं हम, और इसमें विटामिन ए होता है, सी होता है, बी होता है, यानी ए बी सी सारे हैं, डी नहीं होता है। डी के लिए हमें दूध पीना होता है, तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन ए बी और सी तीनों विटामिन हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। यानी कि अगर तरबूज को देखा जाए तो उसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिंस है, न्यूट्रिशन है, पानी है, और इतनी सारी चीजें एक साथ फ्री पैकेज में मिल रही है। सबसे ओवरऑल बहुत सस्ता भी मिलता है, इसको खरीदना बहुत इजी है और इसको आराम से स्वाद के साथ खाया जा सकता है। क्योंकि मीठा तरबूज खाना किसे पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा है, आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। यदि आपको भी तरबूज बहुत अच्छा लगता है तो आज ही बाजार से तरबूज खरीद लाइए और बहुत सारा तरबूज खा लीजिए। लेकिन बहुत सारा नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारा खाएंगे तो फिर आपको इनडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा और आपको पॉटी के अंदर दिक्कत आएगी। इसलिए आपको लिमिटेड खाना है, एक कटोरी दो कटोरी आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो तरबूज खाना आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस में तरबूज फायदा देता है। दूसरा, यदि आपको सीने के अंदर जलन है तो भी ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, क्योंकि एसिडिटी को कम करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स है वो आपका बीपी कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है वो प्री इक्लेम्शिया का खतरा कम करते हैं, और पानी की मात्रा आपका डिहाइड्रेशन को रोकती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में आपके मॉर्निंग सिकनेस को, वॉमिटिंग्स को, पेट दर्द को, अपच को और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देता है, बीपी को कंट्रोल रखने में मदद करता है, और इसके साथ ही साथ आपके मीठे की जो क्रेविंग होती है उसको भी खत्म कर देता है। तो मैं समझती हूँ कि तरबूज खाना अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। प्रेगनेंट लेडी भी खा सकती है, नॉन प्रेगनेंट भी खा सकती है, हम सबको खाना चाहिए। इतने सारे गुण एक पैकेज में मिल रहे हैं तो हमें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।